नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 2019 में हुए जेडी हत्याकांड का मुख्य आरोपी एवं 1,00,000 का इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ बंदर को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 9 ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी संदीप उर्फ बंदर गैंगस्टर कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है और कौशल के आदेश पर एक्सटॉर्शन की वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। वहीं गैंगस्टरों को नेस्तनाबूद करने के लिए एनआईए की ओर से छेड़े गए अभियान के दौरान एनआईए ने 3 बार संदीप के ठिकानों पर छापे मारे। छापे के बाद एनआईए ने संदीप उर्फ बंदर पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया था। क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने संदीप को साइबर सिटी के सेक्टर 38 से गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम की माने तो संदीप कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। गैंगस्टर कौशल के निर्देश पर संदीप साइबर सिटी की खांडसा मंडी में उगाही का काम देख रहा था। इसके अलावा संदीप पर हत्या के प्रयास, एक्सटॉर्शन जैसे 9 संगीन मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, जेडी की हत्या में संदीप ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 2021 में जेल से जमानत पर आने के बाद से संदीप फरार चल रहा था। क्राइम यूनिट सेक्टर 39 को जानकारी मिली कि संदीप उर्फ बंदर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम के सेक्टर 38 में पहुंच रहा है। तभी क्राइम टीम ने उसे काबू कर उसके पास से एक बाइक, 32 बोर का एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अब संदीप उर्फ बंदर को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने एनआईए को भी गैंगस्टर संदीप उर्फ बंदर की गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। रिमांड के दौरान पुलिस संदीप की कुंडली खंगालेगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो किस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था या क्या कोई गैंगवार छिड़ने वाली थी। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच लगातार गिरफ्त में ले रही है, इसी प्रकार पूरब कौशल गैंग के सक्रिय सदस्य को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और क्या क्या खुलासे होने बाकी हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कौशल गैंग दोनों अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, लेकिन इस गैंगवार में कौन जीत पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विकास अहल्यान की रिपोर्ट। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा एक एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा 1,00,000 रुपए का इनामी, जिसके पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। आरोपी का नाम है संदीप उर्फ बंदर। संदीप उर्फ बंदर कौशल गैंग का एक सक्रिय मेंबर रहा है और 2021 सितंबर से जो कौशल गैंग की जितनी भी भार की वारदातें थी या जितना भी उसका गिरोह जो चलता था, उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए सारे कौशल गैंग की बागडोर संभालता था। लगभग एक दर्जन से ऊपर इसके ऊपर लूट, मर्डर, डकैती, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, कौशल गैंग के थ्रू जितनी भी ऐसी वारदातें थी उसके सक्रिय भूमिका निभा रहा था। ये सितंबर 2021 से बाहर है और कौशल गैंग के साथ 2007 से जुड़ा हुआ है और 2007 से ही ये ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। कौशल, आपको जैसे आपके पास सूचना है कि कौशल गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक्टिव है और जैसे विक्की मिडूखेड़ा के मर्डर हो गया, लॉरेंस के संबंधित उसके एंटी गैंग है और उससे संबंधित जितनी भी वारदातें या इस तरीके की कोई घटनाक्रम हुआ है उसमें ये एक्टिव भूमिका निभाते आए हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो ये 2021 से सितंबर से बाहर था, कौशल गैंग की सभी ऐसी एक्सटॉर्शन संबंधित जितनी उसकी गैरकानूनी गतिविधियां थी ये उसको संचालित करता था, देखरेख करता था। एनआईए की टीम द्वारा काफ़ी चीज़ जब रेड करी गई थी तो काफ़ी मोबाइल फोन्स और काफ़ी ऐसा दस्तावेज जैसे प्राप्त हुए थे, जिससे ये संबंध में इससे ये संबंधित जानकारी हम प्राप्त हुई पुलिस को कि कैसे किस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट ये चलाया जा रहा है। खासकर खांडसा मंडी गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा नेक्सस इनका चल रहा है, जिसमें एक्सटॉर्शन और रंगदारी की ये जो कार्रवाई करते हैं और इलीगल जो एक्सटॉर्शन वगैरह लोगों से उगाही करते हैं, उसका ये सरगना बना हुआ था यहाँ पर। और कौशल के जैसे कौशल अमित डागर ये ऑलरेडी कस्टडी, पुलिस कस्टडी के दौरान भी पूछताछ में आया था और जुडिशियल कस्टडी के दौरान ये भार उनका सारा नेटवर्क संचालित कर रहा था। ईडी हत्याकांड के अंदर ये अभी जुडिशियल कस्टडी में था, 2000 सितंबर में ये वहां से बेल होकर निकला है और उसके अंदर एक मुख्य भूमिका के अंदर था, ये मुख्य आरोपी था उस जेडी हत्याकांड में। देखिए, गुड़गांव पुलिस द्वारा ये और गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा ये स्पष्ट संदेश है। गुड़गांव पुलिस और एसटीएफ
और हरियाणा पुलिस के माध्यम से स्पष्ट संदेश सभी के लिए है कि जिस प्रकार से कोई भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल नेटवर्क को देख रहे हैं किस तरीके से फाइनेंशियल सोर्सेज एड्स उनको प्राप्त हो रही हैं। और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारी कमिश्नर पुलिस कला रामचंद्रन मैडम, हमारे यहाँ पर गुड़गांव DCP क्राइम विजय प्रताप और खासकर क्राइम ब्रांच की सभी टीमें बहुत तत्पर होकर तत्परता दिखाते हुए इन सभी के ऊपर लगाम लगाने पर कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ये NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनके रडार पे था ये और उन्होंने काफ़ी लोगों के ऊपर, काफ़ी ऐसे जो गैंगस्टर्स रहे हैं या उनके साथ संलिप्त रहे हैं उनके ऊपर 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और ऐसे लोगों को मद्देनजर रखते हुए NIA द्वारा काफ़ी कड़ी कार्रवाई करी जा रही है और गुड़गांव पुलिस इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गहनता से जांच कर रही है कि ऐसे कौन कौन से और लोग हैं जो ऐसे नेक्सस का या ऐसे गिरोह का जो सदस्य है जो इनकी मदद कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई घटनाक्रम अभी सामने, ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई है, लेकिन अभी जैसे अभी इसकी अरेस्टिंग हुई है इसको हम रिमांड पर लेंगे और रिमांड के दौरान पूछताछ करी जाएगी कि ये किस किस व्यक्ति के संपर्क में रहा है और किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा था, किसके द्वारा इसको डायरेक्शंस मिल रही थी और किस किस के थ्रू ये ऐसे टच में था जिसके थ्रू ये नेक्सस जो कंडक्ट कर रहे हैं ये खांडसा मंडी के अंदर और अन्य किसी उगाई की जो वारदात हो रही है तो किन किन लोगों के साथ संलिप्तता है इनकी। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है अभी थ्रू, अब जैसे ही आप रिमांड पे लेंगे तो उसके थ्रू पता चलेगा। गुड़गांव सेक्टर 38 से ही गिरफ्तार, 23-24 की इंटरवीनिंग नाइट को इसको अरेस्ट करा गया है और इसमें हमारी गुड़गांव सेक्टर 39 की क्राइम यूनिट है जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर पंकज हैं और संबंधित जो गुड़गांव की टीम है क्राइम ब्रांच की, उन्होंने तत्परता रहते हुए काफ़ी सूझबूझ से इसको मौके से अरेस्ट करने की, वो वारदात जो किसी और को अंजाम देता ये उससे पहले ही इसको अरेस्ट करा गया। हाँ, हो सकता है क्योंकि ये गुड़गांव में काफ़ी टाइम से ये वांछित था, ये NIA से वांछित था, गुड़गांव पुलिस भी काफ़ी जोर शोर से इसको सर्च कर रही थी, तो ये गुड़गांव में किस वजह से उस टाइम आया, कैसे आया, क्या वारदात को अंजाम दे सकता था, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हम इसको रिमांड पर लेंगे तो पूछताछ में आएगा। सर, ये पता चला अभी तक की पूछताछ में कि हिमाचल प्रदेश, बिहार और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में रहा है। अभी हाल फिलहाल इसके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक 32 बोर का एक पिस्टल बरामद हुआ है और 6 कार्टेजेस बरामद हुई है इससे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।